हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ पालक आलू की सूखी सब्जी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो पालक लिए। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इस पालक को बारीक कट कर लूँगी। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें जीरा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें कटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर दूंगी। इन्हें अच्छी तरह से सेंक लूंगी। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये सभी हल्के हल्के सिक गए हैं। अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। अब मैं इसमें एक बड़ा आलू कट करके डाल दूंगी और बची हुई पालक को भी इसके ऊपर रख दूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकने दूंगी। ये देखिए, पालक ने पानी छोड़ दिया। अब मैं इसमें 1 चुटकी हींग ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। अब इन सभी मसाले को अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं गैस की फ्लेम को हाई कर दूँगी ताकि पालक का पानी सूख जाए, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। ये देखिए, पालक का पूरा पानी सूख गया है और आलू भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और सब्जी को ठंडा होने दूँगी। सब्जी को हल्का ठंडा होने के बाद इसमें नमक ऐड कर दूँगी। इससे पालक की सब्जी पानी नहीं छोड़ेगी। ये देखिए, पालक आलू की सूखी सब्जी बन के रेडी हो गई है। आप भी इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।